वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बहुत दिनों बाद निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। तो हमने ट्रेन ले ली है, जो ट्रेन हमें 17 घंटे में उत्तर प्रदेश पहुँचा देगी। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुँच चुके हैं फाफा मऊ के रेलवे स्टेशन पर, जो कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से थोड़े ही पहले पड़ता है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे अपने गांव में, और चलिए शुरू करते हैं यूपी का व्लॉग पार्ट 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुँच चुके थे अपने गांव, और उसके बाद हम पहुँच अब जा रहे हैं संगम में, जहाँ पे 3 नदियाँ जो हैं वो दिखाई देती हैं, और 3 नदियाँ मिलती हैं जिसको संगम कहा जाता है। उसमें होती है एक सरस्वती, गंगा और यमुना, तीनों का ही जो मिलन होता है यहाँ पर उसको दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर एक सबसे फेमस मंदिर है जिसका नाम है बड़े हनुमान जी। कहा जाता है कि जब गंगा का जो स्तर होता है पानी का वो बढ़ जाता है, तो गंगा जी हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं उनके पास, उनके पैरों के पास। और ये जो बड़े हनुमान जी होते हैं ये लेटे हुए हैं। चलिए आपको दिखाएँगे कि किस तरह का मंदिर जो है उनका वो बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ऑटो से उतर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ से। यहाँ से हम एक और ऑटो लेंगे ताकि हम बड़े हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने उतर सकें। हमने ले लिए हैं कुछ फूल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ले लिया ऑटो, अब वो उस पुल से हमें सिर्फ 10 रुपये में यहाँ तक पहुँचाएगा, और रास्ते में हमें मिलेगा आदि शंकराचार्य का एक मंदिर, और उसके बाद हम पहुँच जाएँगे बड़े हनुमान जी के मंदिर। तो अब ऑटो वाले ने हमें उतार दिया और हम पहुंच चुके हैं बड़े हनुमान जी के गेट के सामने। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये किस तरह का जो मंदिर है वो बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी काफ़ी अनोखे तरीके से जो है रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो मंदिर जाते समय हमें दिख गए हैं यहाँ के लड्डू, जो कि बेसन के होते हैं। अगर आप इनको खाएँगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे लड्डू शायद ही आपने कभी बेसन के खाए हों। तो देखिए, हम यहाँ पर ख़रीद रहे हैं काफ़ी सारे डब्बे, ताकि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो है इन लड्डुओं को दे सकें। तो आप जब भी आए यहाँ पर, ये लड्डू का जो प्रसाद है हनुमान जी को, जो उनको सबसे प्यारा है, वो ज़रूर उनको चढ़ाएं और अपने घर भी लेके जाएं। तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 फूल की डाली कहा जाता है, जो ये पत्ते होते हैं उसको डाली कहा जाता है। तो इसलिए हमने 2 फूल की डाली ले ली है, और ये यहाँ पर तुलसी जो की जो माला होती है वो बनाकर चढ़ाई जाती है हनुमान जी के ऊपर। वो आपको दिखाया भी जाएगा अभी अंदर। तो अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर, और हमने प्रसाद और डाली जो है वो ले ली है। तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से लेटे हुए हैं इस मंदिर के अंदर। तो ये है वो हनुमान जी जिसके हम बात कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसकी जो वीडियो है वो आपको दिखाने के लिए बना ली है, ताकि आप भी जो है इनके दर्शन कर सकें हमारे साथ साथ। सो गाइस, हमने दर्शन कर लिया है, अब हम उसके बगल में ही एक मंदिर है जो कि जानकी जी का बनाया हुआ है। तो अब हम उसके अंदर जा रहे हैं, तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जानकी मंदिर के जो दर्शन है वो कर लिए हैं, और मंदिर के थोड़ी सी बगल में जो गंगा है उसका जो तट है वो बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो 3 नदियाँ होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। तो हमने ऑटो वाले को दिए 10 रुपये, मंदिर से यहाँ पर आने के हमारे सिर्फ 10 रुपये लगे हैं एक बंदे के। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर जब कुंभ का मेला होता है तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल बिल्कुल हर जगह आप देख सकते हैं ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की गंगा जी, जो कि बहुत ही फेमस मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का जो मिलन होता है उसको संगम कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप बोटिंग भी करना चाहें तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जहाँ पर गंगा का जो बिल्कुल मिलन होता है वो पॉइंट आपको दिखाया जाता है बोट वालों के द्वारा। अगर आप यहाँ पर बोटिंग करना चाहते हैं तो या तो सुबह के समय आएँ, या फिर सूरज ढलते समय,
और ये जो आप सामने की तरफ बोट्स देख रहे हैं, यही जो लोग होते हैं वो लेकर जाते हैं, और सामने की तरफ एक मंदिर है उसके दर्शन भी ये लोग करवा देते हैं। तो जैसे कि हमने दर्शन किए गंगा मैया के, और हमने वही ऑटो लिया और 10 रुपये उसको वापस से देकर हम यहाँ इस मंदिर में पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है आदि शंकराचार्य मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना माना गया है और काफ़ी खूबसूरत है ये बाहर से दिखने में, जो कि आपको दूर से ही जिस पुल से हम आ रहे थे वहीं से ही ये दिख जाता है। देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ जो हैं कुछ इसी प्रकार की काफ़ी सारी यहाँ बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है तो हम यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटोग्राफी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मौका मिला तो आपको कुछ कुछ जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। दर्शन करने के बाद रात हो गई और हम ऑटो लेकर पहुँच चुके हैं अपने गाँव में, और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है मठरी और चाय। चाय जो होती है यहाँ पर 5 रुपये की होती है, वो भी कुल्हड़ में। तो जैसे कि अब हो चुकी है सुबह, तो हमने सोचा कि चलो खेत में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर मिल गया है कटहल, जो कि बहुत ही टेस्टी जो है होता है खाने के अंदर। तो अब हम अपने चंडीगढ़ में भी इसको जो है वो ले जाएंगे ताकि हम कटहल को बना सकें, क्योंकि यहाँ पर तो फ्री में ही लगा हुआ है, तो जितना मर्जी लेकर जा सकते हैं। तो कटहल खाने के बाद और खेत में घूमने के बाद हम पहुँच चुके हैं ऑटो लेकर आलोप शंकरी माँ। यहाँ पर दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, और कहा जाता है कि अगर यहाँ के दर्शन हो जाते हैं और यहाँ पर माता को जल चढ़ा देते हैं तो जो चिकन पॉक्स होते हैं वो नहीं होते हैं कभी भी, और जिसको चिकन पॉक्स हो जाते हैं वो यहाँ पर अगर जल चढ़ा दे तो उनके जल से जल जो चिकन पॉक्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए हम भी इनके दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं इनसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, क्योंकि ये मंदिर अभी अभी ओपन हुआ है 2 बजे के करीब, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है जब ये खुलता ही है और इसके गेट जो है वो खुलते हैं, तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन चलिए लाइन में लगते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। तो फाइनली काफ़ी भीड़ के बाद हम थोड़ी दूर पहुँच चुके हैं और बिल्कुल दर्शन होने ही वाले हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की कितनी श्रद्धा है, लोग साउथ की तरफ से भी यहाँ पर आ रखे हैं दर्शन करते। ये जो सामने की तरफ आप एक झूला देख रहे हैं उसी के अंदर माँ होती हैं और उन्हीं के ऊपर ही जल चढ़ाना होता है, जो भी आप फूल लेकर आए वो उन्हीं के अंदर ही चढ़ता है, और यहाँ से जो पानी होता है वो लेकर अगर अपने पूरे ही शरीर में लगा लेते हैं तो कहा जाता है कि ये माँ का आशीर्वाद होता है और चिकन पॉक्स कभी नहीं होते। तो आप देख सकते हैं जब हमने दर्शन कर लिए तो यहाँ पर कितनी कम भीड़ हो गई है, और जब हम दर्शन कर रहे थे तो यहाँ पर कितनी भीड़ थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही दिनों में लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।